तो लगातार नंबर वन। जी हां, चुनाव में वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। अभिषेक, वाकई में आप लोगों ने जिस तरीके से हर पॉलिटिकल खबर, वो भी निष्पक्ष रूप से, बेबाक अंदाज में दिखाई, चाहे वो लोकभवन की खबर हो, चाहे वो आम आदमी से जुड़ी हुई खबर जहां पर योजनाएं बनती हैं, वहां तक की खबर पूरी बेबाक अंदाज में दिखाई। सरकार से जुड़ी हुई हर खबर, पार्टी से जुड़ी हुई हर खबर, जनता से जुड़ी हुई हर खबर, हमने इसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया, निष्पक्षता के साथ उसका संपादन किया गया और उसके बाद उसको डिलीवर किया लोगों के बीच में। फीडबैक भी लिया गया कि आखिर जो हमने खबरें दिखाई हैं उसका क्या असर हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। गलतियों से सीखा भी गया, उसको बेहतर भी किया गया, उसको ठीक भी किया गया। तो एक पूरी सतत प्रक्रिया है बीते 5 साल की, मैं तो लगातार शुरुआत से देख रहा हूँ कि हर एक दिन बेहतर करने के लिए अपने आप से ही कंपटीशन करना पड़ता है। और भी टीवी चैनल्स हैं, वो भी खबरें दिखाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें और हम में फ़र्क ये है कि हम लोगों ने अपने आप को इस तरह प्रेजेंट किया कि जैसे हम लोगों के बीच में हैं, जनता की आवाज़ है, हर कोई व्यक्ति अपनी बात यहाँ पर कह सकता है और उसको उचित स्थान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति की बात को दिखाया जाए, यानी उसका मुखपत्र बना जाए। यहाँ पर सबकी बात को एक उचित जगह दी गई है। अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसके पक्ष में और विपक्ष में दिखाई जाती है। बिल्कुल, ओवैस भी हमारे साथ बने हुए। ओवैस, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि लखनऊ से कोई भी खबर होती है, अक्सर हम बात करते हैं कि भाई जब इन दिनों बीजेपी को लेकर की बैठकों का दौर जारी है, फिर हम लोग बात करते हैं कि शीर्ष नेतृत्व, जब हम शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो हम दिल्ली चलते हैं, ओवैस अपने संवाददाता से बात करते हैं। ऐसे ही जब हम शीर्ष नेतृत्व की ओवैस बात करते हैं तो हमारा भी शीर्ष नेतृत्व बहुत हम लोगों को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है। मैं अपने ऑफिस के अपने बॉसेस की बात कर रहा हूँ कि पूरी खबर को आप खबर की तरह पढ़िए, पूरा दिशा निर्देश रहते हैं, सत्य और तथ्य होना चाहिए। हम लोगों की भी पूरी मॉनिटरिंग होती है और उसी का ये परिणाम है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे हमारे बॉस जो हैं वो हमारी एक एक छोटी छोटी खबरों के ऊपर भी मॉनिटरिंग करते हैं और हमें इतनी लायबिलिटी दी है कि हम कोई भी खबर अपने हिसाब से या फिर जो खबर सच्चाई होती है, जो खबर की सच्चाई है, उसको पेश कर सकते हैं चैनल पे। हमें ये नहीं होता कि तुम्हें ये खबर नहीं करनी है, तुम्हें वो खबर छोड़ दो, इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन कभी भी आज तक, 4 साल मुझे भी भारत समाचार में हो रहे हैं, आज तक नहीं आया कि तुम ये खबर ड्रॉप कर दो, ये खबर सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो खबर हम भेजते हैं वो उसको पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे भरोसे के साथ और पूरी सत्यता के साथ भारत समाचार पे दिखाया जाता है दिल्ली के स्टूडियो के थ्रू। इसमें हमारा ही योगदान नहीं होता, हमारे बॉस का भी योगदान होता है, वो हमें लगातार इनकरेज करते हैं कि किस तरह से हमें सच्चाई दिखानी है, किस तरह की खबरें दिखानी है और हमें पूरी छूट होती है कि जो खबर की सच्चाई है वो दिखाइए। और जहां तक कि अगर बात करें राजनीतिक खबरों की बात करें तो उसमें भी हमारे चाहे दूसरे सहयोगी, चाहे रवि सर्राफ हो या फिर हमारे पुष्कल मिश्रा जो दिल्ली में हमारे मार्गदर्शक हैं कहा जाए एक तरह से, तो वो भी पूरी छूट देते हैं कि किस तरह से आपको खबरें करनी है, पूरा खबर के ऊपर एक एक पल जो है वो नजरें बनाए रखते हैं, किस तरह से खबरों को करना है, कौन कौन सी खबरें जाएंगी, आज का डे प्लान क्या है, कल कौन सी खबरें होंगी, ये खबर का फीडबैक लेना है, पिछले हफ्ते कोई खबर हुई थी उसका फीडबैक क्या रहा, आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी खबर है, उन तमाम चीजों का खाका जो है वो तैयार किया जाता है। हमारे पास सिर्फ आज की खबरों का नहीं, आने वाले दिनों में क्या होने वाली घटनाएं उनके ऊपर भी नजर बनाए रखना है, इसकी भी जो है हम पूरी तरह से देखते हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में घटनाक्रम होने वाले उनके ऊपर भी नजर जो है बनाए रखते हैं। बिल्कुल, नजर हम लोगों की हर तरफ रहती है, हम सब मीडिया वालों की। दानिश, अगर मैं मीडिया कर्मियों की बात करूं तो हम लोगों की भी कितनी छोटी सी दुनिया होती है, बस खबरों को लेकर के ही बात होती है कि क्या खबरें अपडेट है, क्या कुछ हुआ, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। क्यों दानिश? मैं देखता हूँ नोएडा मीडिया हब कहा जाता है और जाहिर सी बात है कि जब हब में आप रहेंगे तो दिन भर खबरों की ही बात होगी, लेकिन जिस तरीके से हम लोग खबर को दिखाते हैं, जो पैमाना हम तय करते हैं, शायद क्योंकि सारे चैनल अपने अपने पैमाने तय करते हैं खबरों को लेकर, लेकिन जितनी ज़्यादा दिन भर में भारत समाचार खबरें दिखा देता है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भारत समाचार पे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कहता कि किसी और चैनल पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आप तहसील स्तर के छोटे छोटे गाँव, किसान, जो वहाँ की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जब उनको आप टीवी पर दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है जो हम अपना काम है, जिसका दायित्व हमको मिला है, तो सुकून होता है कि हमने उन व्यक्तियों की आवाज़ उठाई, उनको आगे बढ़ाया और शासन प्रशासन तक उन चीज़ों को पहुंचाया। बहुत से अफसरान ऐसे हैं जब हम एक छोटी सी खबर चलाते हैं उनका कॉल आता है तो वो कहते हैं कि आपने ये खबर न चलाई होती तो शायद ये समस्या हमको पता नहीं चलती। जाहिर सी बात है हम जनता की आवाज़ है और जनता की जो आवाज़ है, क्योंकि बहुत ऐसे छोटे एरियाज होते हैं जहां पर ना ही मीडिया
पहुंच पाती है ना ही जिला प्रशासन पहुंच पाता है। तो वहां पर जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो अपना काम करती है और भारत समाचार अपना जो ये दायित्व है पूरी तरीके से निभाता। और शायद यही वजह है कि आज की डेट में अगर हम कहें तो आजकल चैनलों, बहुत से चैनल हैं, बहुत से मीडिया समूह हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता इतना भरोसा भारत समाचार पर जता रही है तो जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी हम लोग की और बढ़ जाती है और ज्यादा जो है जिम्मेदारी जनता ने हम लोगों को दे दी है। जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी अभिषेक ने कहा कि पूर्ण बहुमत जो है दिया है आम लोगों ने भारत समाचार को, तो ये जिम्मेदारी भारत समाचार की और बढ़ गई आज से, जितना प्यार दर्शकों ने दिखाया है। और हम लगातार कोशिश करते हैं, हमारा जो वरिष्ठ प्रबंधन है, हम कोई खबर भेजते हैं तो पूरी तरीके से उसको जो है इंश्योर किया जाता है कि सही खबर हो, कोई ऐसी खबर ना हो जिससे जो है वो गलत खबर ना दिखाई जाए, लिहाजा फिल्टर करी जाती है खबरें और तुरंत टीवी स्क्रीन पर उसको ऑन एयर किया जाता है। तो जो हमारी होल टीम है, जो हमारे हम जहां तक कहेंगे हमारे जो स्ट्रिंगर्स हैं, हमारे न्यूज कंट्रीब्यूटर हैं, हमारे जो और भी साथी हैं, सबका इसमें योगदान रहा है। उसी योगदान की वजह से आज हम इस अहदे पे, इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और जो जो एक तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके का हमने वादा आम लोगों से किया था कि हाँ हम खबरों में कभी भी आपको पीछे नहीं रहने देंगे, हम उनसे, हमने उनसे वादा किया था कि हर खबर, उनकी छोटी सी छोटी खबर भारत समाचार दिखाएगा, तो आज वो हम उसमें उस वादे में पूरा करने में कामयाब हुए हैं। और शायद यही वजह है कि हाँ आम लोगों ने भी उस पर मोहर लगाई और पूर्ण बहुमत भारत समाचार को दिया है कि हाँ देखिए आपने खबर हमको हमारे तक सूचना पहुंचाई है, तो हमारा समर्थन आपको दर्शक के रूप में मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे लगातार संवाददाता बने हुए हैं और इस नंबर वन चैनल को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं, टीआरपी रेटिंग को लेकर के। और इसी यूपी के नंबर वन चैनल के रिपोर्टर सीमाब नकवी हमारे साथ जुड़ गए। सीमाब, मुझे लग रहा है कोई भी शायद ऐसी हस्ती ना बची हो जिसका आपने चुनाव में इंटरव्यू ना लिया हो, कैसा लग रहा है अब? देखिए, जाहिर है कि भारत समाचार अपनी बुनियाद पे हमेशा से टिका रहा है। एक शेर अर्ज करता चलूं कि वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की और परिंदों को नहीं देते हैं तालीमें उड़ानों की। भारत समाचार के जो एडिटर इन चीफ हैं ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर अपने रिपोर्टर्स को इस बात के निर्देश दिए थे कि कोई भी खबर छूटनी नहीं चाहिए, भारत समाचार पर पहले खबर चलनी चाहिए और एक्सक्लूसिव खबर चलनी चाहिए। रिपोर्टरों ने मेहनत की, जगह जगह से खबरें आई और आज भारत समाचार नंबर वन जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो चुनाव का मौका रहा हो या इससे पहले के मौके रहे हो, तमाम मौकों पर भारत समाचार ने अपने आप को स्थापित किया है और साबित किया है। जनता के जो सवाल थे उनको उठाने का काम किया है और जो बुनियादी सवाल लोगों के बीच थे उनको जो है वो उठाने का काम किया है, सरकार और जनता के बीच संवाद कायम करने का काम किया है। बिल्कुल सीमा, आपने बहुत अच्छी बात की, सब अपने अपने मन की बात करते थे लेकिन जनता के बीच और सत्ता के बीच जो मुद्दे आने चाहिए, जो चीजें आने चाहिए, भारत समाचार ने एक चुनाव या की बात करें तो एक ब्रिज की तरह काम किया। बिल्कुल, जाहिर है कि जो भी बुनियादी मुद्दे रहे हैं जनता के, वो चाहे जो भी मुद्दे रहे हो, किसानों के मुद्दे रहे हो, नौजवानों के मुद्दे रहे हो या जो भी तमाम मुद्दे रहे हो, सरकार से सवाल करने का काम भारत समाचार ने किया और जनता के मुद्दों को उठाया। इतना ही नहीं, जो सरकार की योजनाएं थी वो लाभकारी योजनाओं को जनता तक भी पहुंचाने का काम भारत समाचार ने सेतु की तरह किया कि किस तरह से सरकार जनता के लिए क्या सोचती है और जनता के क्या बुनियादी मुद्दे। जी बिल्कुल सीमा, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कानपुर के संवाददाता सहयोगी अवनीश भी जुड़ गए। अवनीश कहूं या मैं ये कहूं कि भारत समाचार यूपी के नंबर वन चैनल कानपुर के रिपोर्टर अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कहलाना पसंद करेंगे? अवनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही ठीक से। जी अवनीश, आपको सुनना चाहेंगे? अवनीश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए अवनीश से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर हम सीमाब के पास चलेंगे। सीमाब, लगातार एक सबसे बड़ी बात, जब नंबर वन यू ही नहीं है, देश का सबसे बड़ा जिस तरीके से अब चुनावी मुद्दा था, हमने उठाया, सबसे पहले उन चीजों को उठाया,
तो यूपी चुनाव में भारत समाचार की धूम रही। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, हम सब की मेहनत रंग लाई, यूपी के दर्शकों की पहली पसंद बना भारत समाचार 17% शेयर के साथ। भारत समाचार आगे और यूपी चुनाव टीआरपी में सबसे आगे और जनता से जुड़े, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। चुनावी हफ्ते में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरी भारत समाचार ने किसी भी सरकारी कार्यालय में, सरकारी ऑफिस में देखा जा सकता है। यहां तक कि मॉनिटरिंग में भी चैनल लगा रहता है। इसी से इसकी सत्यता को साफ तौर पर समझा जा सकता है। हमेशा सत्य और तथ्यों के साथ खबरों को दिखाना, शायद इसीलिए दर्शकों के बीच पहली पसंद बना भारत समाचार। तो यूपी चुनाव में भारत समाचार नंबर 1 और चुनावी हफ्ते में